हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन अ डिस्क्रीट सीरीज और ए फ्रीक्वेंसी एरे। जैसा कि हमने कल जो टॉपिक था हमारा वो इंडिविजुअल सीरीज के रिगार्डिंग था कि अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज गिवन होती है, इट मींस दैट कि जहां पे फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है, केवल एक्स वेरिएबल हमें गिवन होता है, सीरीज गिवन होती है, तो वहां पे हम कैसे अर्थमेटिक मीन को निकालते हैं, जिसमें हमने दो मेथड करे थे, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के थ्रू। आज हम डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बात करेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज अगर हमें गिवन होती है तो उस टाइम पे हम मीन की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन की वैल्यू को फाइंड आउट लाइक हम कैसे मीन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है। देखिए, डिस्क्रीट जो सीरीज है उसको हम फ्रीक्वेंसी एरे के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि हम इसको फ्रीक्वेंसी एरे भी बोल सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज को। इस बात को ध्यान में रखना, डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जहां पे फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, या यू कैन से वेयर यू यूज द टैली बार्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कि जब कोई भी एक आइटम है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी का नाम दे देते हैं, राइट। तो जहां पे एक्स वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, सीरीज गिवन है, और जहां पे फ्रीक्वेंसी गिवन है वो क्या होता है, आपका डिस्क्रीट सीरीज होता है और उसको ही फ्रीक्वेंसी एरे बोला जाता है। यहां पे हम मीन निकालना सीख रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज में, और उसमें हम सबसे पहले मेथड के थ्रू, डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन को निकालना सीखेंगे। देखिए, मीन को निकालने के लिए सबसे पहले हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं कि कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले क्या होता है, वैल्यू ऑफ द वेरियस आइटम इन द सीरीज आर इंडिकेटेड बाय एक्स एंड देयर फ्रीक्वेंसी एफ। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो भी हमें आइटम्स गिवन होती है, इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उसको हम एक्स सीरीज का इंडिकेट कर देते हैं, और उसके सामने जो गिवन होती है फ्रीक्वेंसी उसको एफ से डिनोट करते हैं। Each item in a series of x is multiplied by f. इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आइटम हमें सीरीज में गिवन होगा, x सीरीज में गिवन होगा, और उसके कॉरस्पॉन्डेंस में जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो x सीरीज में जो आइटम गिवन है और उसके कॉरस्पॉन्डेंस में जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू गिवन है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हम गेट कर लेंगे f। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो एफ एक्स है उसका एड अप करना है, हमें क्या करना है उसका टोटल लेना है। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम किसी भी सीरीज का जब टोटल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है सिग्मा, समीशन, तो हमारे पास समीशन एफ एक्स आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज में हम सीरियल नंबर लेते थे कि कितने नंबर ऑफ आइटम गिवन है सीरीज में, 10 है, 20 है, 5, 18 कितने हैं, तो वो तो n था, नंबर ऑफ आइटम, राइट। बट यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ आइटम हमें लेना है वो n से डिनोट नहीं करना, वो किससे डिनोट करना है, वो फ्रीक्वेंसी से डिनोट करना है, वो समीशन f से डिनोट करना है। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि हमेशा याद रखना कि इंडिविजुअल सीरीज में ही हम नंबर ऑफ आइटम को लेते हैं, केवल हम इंडिविजुअल सीरीज में नंबर ऑफ आइटम को लेते हैं, डिस्क्रीट सीरीज की बात हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, या आप कह सकते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या जाना जाता है, समीशन एफ या सिग्मा एफ। उसके बाद हम उस सिग्मा एफ या समीशन एफ से डिवाइड करते हैं, जैसे हम नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते हैं। समीशन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द समीशन एफ टू ऑब्टेन द एक्स बार। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपने फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू थी सीरीज के सामने ना, तो उसका आपने समीशन ले लिया, उसका मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके बाद उस चीज को आप क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी का जो आपने एड अप किया है उससे आप डिवाइड कर देंगे और आपको मीन की वैल्यू गेट हो जाएगी। तो फॉर्मूला इसमें ये है कि मीन की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना कि डायरेक्ट मेथड के थ्रू जब हम डिस्क्रीट सीरीज में मीन की वैल्यू निकालते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को एक्स सीरीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद उसका टोटल ले लेंगे, एंड देन उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी के जोड़ से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। ये हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पे बेसिस गिवन है जिसको हमने एक्स सीरीज एक्स से डिनोट किया है, 10, 20, 30, 40, 50 इतने बेसिस दिए जा रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, फ्रीक्वेंसी,
राइट right? जैसे कि चार वर्कर को 10 वेज दिए जा रहे हैं, अभी चार वर्कर को 10 10 10 10 10 मतलब चार हुए, 10 जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बनी 4, ऐसे ही 25 बार रिपीट हो रहा तो फ्रीक्वेंसी बनी 5, तो ये फ्रीक्वेंसी है। अभी हमें डायरेक्ट मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन में मीन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए x की वैल्यू गिवन है, f की वैल्यू गिवन है, अभी तक हमारे पास क्वेश्चन ही गिवन था, अभी हमें मल्टीप्लाई करेंगे जैसा स्टेप में पढ़ा हमने। तो देखिए x और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 20 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 100, 30 को 3 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 90, 40 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, एंड 50 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 250, राइट right? तो आपको समीशन लेना है किस किस का, सिग्मा एफ। तो देखिए 4 में 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा 9, 9 में 3 तो 12, 12 में 2 तो 14, एंड 14 में 5 तो 19, कितना आ जाएगा 19। तो ये तो हो गया आपका समीशन एफ। फिर एफ एक्स में लेते हैं 40, 40 में 100 ऐड करेंगे तो 140, 140 में 90 ऐड करेंगे तो 230, 230 में 80 ऐड करेंगे तो 310, और 310 में आप 250 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 560, कितना आ जाएगा आपका 560 आ जाएगा। अब इस चीज को आपको क्या करना है, ऐड करना है, किसमें ऐड करना है आपको, इस फॉर्मूले में लगाना है। अब हमें मीन चाहिए, समीशन एफ एक्स, समीशन एफ वैल्यू डाल दो 560, अभी इसको डिवाइड करो 19 टू पे जाएगा ना, 2 19 टू जा 38 हो गया आपका, फिर जो बचेगा 29.47, ये आपकी मीन की वैल्यू निकलती है आ जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन कि डायरेक्ट जो मेथड है उस मेथड में हम कैसे निकालेंगे, राइट, डायरेक्ट जो मेथड होता है उसमें हम कैसे निकालेंगे मीन की वैल्यू। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब इसमें हम करेंगे आपका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड जैसे डायरेक्ट मेथड के थ्रू तो समझ में आएगी आपको, अब करेंगे शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में आपका ये फॉर्मूला होता है मीन का, एज्यूम्ड वैल्यू प्लस में आपका समीशन एफ एंड डी डिनोट्स अ डेविएशन, जैसा कि हमने इंडिविजुअल में भी किया था, डेविएशन निकाला था हमने, एज्यूम्ड एवरेज जो माना था उसके थ्रू समीशन एफ। तो देखिए इसको कैसे करना है। बिफोर कैलकुलेटिंग अ मीन बाय यूजिंग दिस मेथड, फर्स्टली टेक एन एज्यूम्ड एवरेज इन एक्स सीरीज डिनोटेड बाय द ए। इसमें कहा है कि आपको क्या करना है, मीन की वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले आपको सबसे पहले एक एज्यूम्ड वैल्यू लेनी है, और वो एज्यूम्ड वैल्यू एज्यूम्ड एवरेज के नाम से जानी जाती है, और उसको आप ए से डिनोट करेंगे। किससे आप डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे, और वो किसमें लेंगे आप, एक्स सीरीज में लेंगे। किसमें लेंगे आप, एक्स सीरीज में आप वो लेंगे वैल्यू, तो हम ए से डिनोट कर देंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप कहता है कि आप डेविएशन निकालेंगे। दूसरा स्टेप कहता है डेविएशन डी की वैल्यू निकालेंगे, जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कैसे निकालेंगे, जो भी एक्स सीरीज में आपने एज्यूम्ड वैल्यू ली ना, एज्यूम्ड वैल्यू हमेशा हमें मिडल लेना है, मिडल आइटम ऑफ द सीरीज लेना है, मैंने कल भी बताया था। तो आपको क्या करना है, देखिए कि जो भी एक्स सीरीज गिवन है उसमें एक एज्यूम्ड वैल्यू ले लीजिए, राइट, अभी वो तो एज्यूम्ड हमने ले लिया और उसको हमने लिख दिया। उसके बाद हम डी पे जाएंगे डेविएशन पे, तो जो एक्स सीरीज है उसमें से जो भी एज्यूम्ड वैल्यू ली है उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका निकल के आ जाएगा। फिर है आपका फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी जो एफ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम डेविएशन वैल्यू से, जैसे वहां पे हम एक्स सीरीज से करते हैं डायरेक्ट मेथड में, तो लेकिन इसमें क्या करना है, जो डेविएशन की वैल्यू निकलेगी उस डेविएशन की वैल्यू से हमें फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है, और क्या गेट करेंगे हम, एफ डी। जैसे वहां पे एफ एक्स गेट करते थे, यहाँ पे एफ डी गेट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसका एड करना है, इसका क्या करना है, एड करना है, और आप क्या गेट करेंगे, समीशन एफ डी, एंड ऑल्सो एट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड गेट द समीशन एफ। अब फिर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो भी एड करनी है समीशन एफ, क्योंकि जैसा मैंने बताया डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या यू कैन से द कंटिन्यूअस सीरीज में हम मेनली क्या करते हैं, नंबर ऑफ आइटम को नहीं लेते, हम फ्रीक्वेंसी के टोटल को नंबर ऑफ आइटम मानते हैं।
अगर वैल्यू पॉजिटिव में है तो वो जो एज्यूम्ड वैल्यू ली उसमें ऐड हो जाएगा, और अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में चला जाएगा। वो तो आपने कल भी किया था, क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगा, वही क्वेश्चन है बट शॉर्टकट मेथड के थ्रू हम करेंगे। इसको देखिए, देखिए मैंने इसमें ना 30 को एज्यूम्ड माना, 30 को एज्यूम मान रही हूं मैं, और मैं डिविजन निकाल रही हूं। तो देखिए यहां पे मैंने निकाला डिविजन एक्स माइनस ए, इट्स माय फॉर्मूला। 10 में से 30 गए माइनस का 20, 20 में से 30 गए माइनस का 10, 30 में 30 गए 0, 40 में 30 गए 10 आ जाएगा, 50 में से 30 गए 20 आ जाएगा, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, एफडी लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 80, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस का 50, 0, 20, 100, माइनस एक साइड पॉजिटिव एक साइड, माइनस का 130 या आपका 120। समीशन एफडी कितना आ गया आपका, माइनस का 10 आ गया। समीशन एफ कितना था आपका जी बताइए, 19 था। अभी फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मीन एज्यूम जो भी वैल्यू लिया आपने, समीशन एफ टी, ये वाला समीशन एफ, इसमें वैल्यू डाल दीजिए। एज्यूम क्या लिया था, 30 लिया था, समीशन एफ डी माइनस का 10 है 19। देखिए प्लस और माइनस क्या होता है आपको भी पता होगा, क्या होता है बताइए, माइनस होता है, ठीक है ये होता है। तो आप क्या कीजिए, आप सीधा ना इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड जब आप करेंगे तो देखिए किसमें आएगा, 30 माइनस 0.53, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 29.57 आपका आंसर, 29.47 सॉरी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी मीन की वैल्यू निकल गई शॉर्टकट मेथड के थ्रू, आई होप इट्स बी क्लियर। अब उसके बाद हम जो करेंगे वो मेथड है इम्पोर्टेंट, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, एक वेरिएंट ही है शॉर्टकट मेथड का, या यू कह लीजिए शॉर्टकट मेथड का ही फॉर्मूला यूज होता है, बस एक चेंज होता है। लाइक हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज क्यों करते हैं। हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम क्या कर सके, जो वैल्यू होती है डेविएशन को उसको थोड़ा शॉर्ट कर सके। अगर वैल्यू बहुत हाई है तो उसको थोड़ा लो पे ला सके, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर लेते हैं। या फिर हमें उस डेविएशन में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा होता है तो उस कॉमन फैक्टर का यूज करके हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। तो दिस मेथड इज अ वेरिएंट ऑफ द शॉर्टकट मेथड। जो ये स्टेप डेविएशन मेथड है आपका, ये क्या है, शॉर्टकट मेथड का वेरिएंट है। दिस मेथड इज अडॉप्टेड इन दैट केस वेयर देयर इज अ कॉमन फैक्टर फाउंड इन अ डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड को मेनली हम फॉलो ही जब ही करते हैं जब हमें डेविएशन में कोई कॉमन फैक्टर फाउंड हो जाता है। कॉमन फैक्टर को हम सी से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करेंगे, एंड इस कॉमन फैक्टर का हम यूज करेंगे फॉर रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ डी। डी डिनोट्स अ डेविएशन एंड गेट द डी डैश, और फिर हम क्या गेट करेंगे, डी डैश गेट करेंगे। देखो डेविएशन तो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट था ना, इसको स्मॉल डी लिख लीजिए, ठीक है, और डी डैश, तो डी डैश कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग द कॉमन फैक्टर। वो मैं बताऊंगी कैसे निकलेगा। देखिए स्टेप है इसमें आपका, सेम प्रोसीजर फॉलो लाइक ए शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के थ्रू हमें सेम प्रोसीजर को ही फॉलो करना है। वैल्यू जो होगी डी डैश की, फाइंड आउट डी डैश एक्स माइनस ए, तो आपको पता है जी ये वैल्यू किसमें निकाली जाती थी, डेविएशन के लिए, राइट, कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड कर दीजिए। इन दिस स्टेप डेविएशन इज मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी यू विल गेट द एफ डी डैश। जैसे कि शॉर्टकट मेथड अभी हमने किया और उसमें हमने सीखा, क्या सीखा, कि हमने फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई कर दिया। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन केस ऑफ द स्टेप डेविएशन मेथड वी विल कैलकुलेट द डी डैश एंड देन वी मल्टीप्लाई द डी डैश विद द फ्रीक्वेंसी एंड देन आफ्टर दैट एडिंग द वैल्यू ऑफ द एफ डी डैश एंड गेट द समीशन एफ डी डैश। इट मीन्स दैट कि हमने स्टेप डेविएशन में क्या किया, एफ डी डैश जो डी डैश निकाला था उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया। आफ्टर दैट जो भी वैल्यू है उसका सम टोटल कर लिया, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स, राइट, एंड डिनोटेड द समीशन एफ डी डैश। उसके बाद आफ्टर दैट समीशन एफ डी डैश जो भी आपका आया उसको हमने डिवाइड किया समीशन एफ से और मल्टीप्लाई कर दिया कॉमन फैक्टर सी से।
विच इज यूज फॉर गेटिंग अ डी डैश, जिसका हम मेनली कॉमन फैक्टर हम यूज करते हैं डी डैश को कैलकुलेट करने में, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये उसका फॉर्मूला है, वही अज्यूम्ड वैल्यू, क्योंकि मैंने कहा कि वेरियंट है इस शॉर्टकट मैथड का, समीशन एफ डी डैश समीशन एफ मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर, राइट। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगा, ऐसे आपको क्वेश्चन गिवन होगा, ये मैंने लिख दिया है, राइट। तो वही मैंने मान लीजिए अज्यूम्ड वैल्यू 30 मानी है, यहाँ पे मैं डेविएशन निकालूंगी x माइनस a, राइट। तो वही 10 में से 30 गए माइनस का 20, 20 में से 30 गए माइनस का 10, 0, 10 एंड 20, राइट। अभी इसमें कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होता है जो सभी से डिविजिबल हो, ठीक है। अभी देखो 0, 0, 0 आ रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर 10 ले सकती हूँ मैं, मतलब हमें ऐसा कॉमन फैक्टर लेना है कि जो सबसे छोटी वैल्यू डिनोट कर रहा हो, सबसे छोटी। आप कहोगे मैडम 2 भी तो डिविजिबल है, 2 ले लो। बेटा 2 भी ले सकती हूँ, बट 2 से मैं उतना छोटा नहीं कर पाऊंगी जितना मैं 10 से कर पाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 लिया है, ठीक है। 5 भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने 10 लिया है क्योंकि सबसे छोटा मैं 10 से ही कर पाऊंगी, जितनी बड़ी वैल्यू लोगे उससे ही छोटा कर पाओगे, तो आपको देखना पड़ेगा। मेनली आप क्वेश्चन में देखोगे आपको 10, 2 यही चीजें मिलेंगी। तो डी डैश निकालना है तो क्या करेंगे, जो डी डेविएशन की वैल्यू आई थी उसको कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड कर देंगे, और कॉमन फैक्टर लिया मैंने 10, तो -2 -1 0 1 2, क्योंकि मैंने डिवाइड किया तो 10 को 20 से करूंगी तो -2 आएगा, 10 को 10 से करूंगी तो -1 आएगा, राइट। फिर मैंने क्या निकाला, एफ डी डैश। अब ये तो डी डैश था, अभी इसको भूल जाओ आप, ठीक है। ये है आपके पास एफ है और डी डैश है, तो f को इससे मल्टीप्लाई करो, -8 आ जाएगा, ये माइनस का 5 0 2 10। देखिए माइनस वाला एक साइड -13 प्लस का 12, तो आपका आएगा समीशन एफ डी डैश कितना आएगा बताइए, माइनस का 1, क्योंकि -13 में से 12 करोगे तो माइनस का 1 और माइनस की वैल्यू ज्यादा है, राइट। समीशन एफ वही इसका तो 19 ही है, ठीक है। कॉमन फैक्टर हमने 10 लिया था, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, मीन की वैल्यू a प्लस में समीशन f डी डैश समीशन f मल्टीप्लाई c, 30 माइनस का 1 ले सकते हैं हम, 19 एंड मल्टीप्लाई 10। देखिए 30 माइनस माइनस 10 19, तो वही आ गया ना घूम फिर के, तो क्या आया 30 माइनस का 0.53 और ये आ गया आपका आंसर 29.47। याद रखना, चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर लो, चाहे आप शॉर्टकट मेथड यूज कर लो, चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज कर लो, मीन की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए भी आप चेक कर सकते हो कि अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट मेथड बहुत अच्छे से आता है और क्वेश्चन में जो गिवन है वो है कि भाई स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू निकालो और स्टेप डेविएशन थोड़ा कम आता है आपको, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट मेथड जो है ना उसके थ्रू क्वेश्चन को निकाल के देख लो रफ में, अगर आंसर सेम आ रहा है मतलब स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू आपका क्वेश्चन राइट है। वैसे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू कैसे निकाला जाता है, क्योंकि बहुत इजी मेथड होता है, बहुत आसानी से निकल जाता है, बट फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम रहती है तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि मीन की वैल्यू हमेशा सेम आनी है। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे तीनों, कि कैसे हम डिस्क्रीट सीरीज में इन मेथड का यूज करके मीन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपके पास रोज के रोज अपडेट्स मिलते रहे कॉमर्स क्लासेस के थ्रू। थैंक यू।